अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बनाएंगे चिकन शाशलिक। ये एक बहुत बेहतरीन स्नैक आइडिया है और बच्चे और बड़े दोनों ही इसे शौक से खाना पसंद करते हैं। आप इसे ईद प्लेटर में ऐड कर सकते हैं, आप बच्चों के लिए स्नैक के तौर पे बनाकर दे सकते हैं। ये बेहतरीन बनती है और मज़ेदार बनती है और बहुत ही क्विक बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर चिकन है जो आधा केजी से थोड़ी सी ज़्यादा है, 600 ग्राम चिकन है। यहाँ पर हमने उसे क्यूबिक कट करके रख लिया है और साथ में हमारे पास लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक डाला है, साथ में हमने 1 टेबलस्पून यहाँ पर लहसुन डालना है और फिर हमने 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून केचप को मिक्स करके रख लिया था। तो अब हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे, सारा मुकम्मल तौर पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पर बारबेक्यू सॉस ऐड करना है। फिर हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब दही ऐड करनी है। दही से चिकन टेंडर हो जाती है और बड़े मज़े से जूसी बनती है ये। अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप पसंद करते हैं चिलीज़ तो डालें, अगर नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैरिनेशन के लिए टाइम देना इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिकन को टेंडर करने के लिए जो हमने दही डाली है उसको अपना काम करने के लिए 1 घंटा ज़रूरी है। अब इसके अंदर जो वेजिटेबल्स डालनी हैं वो मैं बता देती हूँ। प्याज है और टमाटर है और इसके अंदर शिमला मिर्च है। इसका कट करने का तरीका ये है कि प्याज को छिलका उतार के उसको बीच में से दरमियान से हाफ़ कर लेंगे और फिर जो उसका जो मिडल पार्ट होता है वो भी रिमूव कर देंगे और इस तरह से हम लोग उसके 3 हिस्से कर लेंगे कि वो क्यूबिक शक्ल में आ जाए। अब यही प्रोसेस हम शिमला मिर्च के साथ करेंगे और उसे भी क्यूबिक काट लेंगे। तमाम सब्ज़ियों का साइज़ 1 जितना होना ज़रूरी है ताकि प्रेजेंटेबल लगे। अब हमने टमाटर भी काट लेना है, दरमियान से उसे हाफ़ करना है और चम्मच की मदद से उसका जो सीड वाला पार्ट है वो निकाल लेंगे। और सीड वाले पार्ट को आप ज़ाया ना करें, आप उसे किसी सालन में ऐड कर लें। और इस तरह से हमने टमाटर के भी क्यूबिक काट लेने हैं। अब हमने वुडन स्क्यूअर्स लेने हैं और इसके अंदर चिकन और वेजिटेबल्स को अरेंज कर लेना है। जिस तरह से आपकी मर्ज़ी हो उस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटीज़ हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर किसी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी बताने से रह भी जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी पढ़ लें। अब हमने तमाम शाशलिक स्टिक्स को अंडा और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स मौजूद नहीं है तो आप सिर्फ अंडा लगाकर भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम लगाने की वजह ये होती है कि उससे चिकन बहुत क्रिस्पी बनती है और टेस्ट में भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ पर हम इसे मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे और ये याद रखिएगा कि ऑयल जो है वो नॉर्मल गर्म हो, ज़्यादा इतना गर्म ना हो कि उसके अंदर से धुआं निकल रहा हो, ठीक है। 5 मिनट में ये फ्राई हो जाती हैं। हमने इसे गोल्डन ब्राउन करना है और गोल्डन ब्राउन करने के बाद हमने इसे आराम से एहतियात से निकाल लेना है। यहाँ पर हमारी मज़ेदार किस्म की शाशलिक स्टिक तैयार है। इन्जॉय दिस रेसिपी विद योर लव्ड वंस, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।